इस तरीके का आई मेकअप पता है कौन सी आईज़ पर अच्छा लगता है जब आपकी आंखें बहुत छोटी छोटी ड्रूपी होती हैं तो उसमें ना ग्लिटरी कट क्रीज वगैरह का कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं होता है तो आपको सिंपली क्या करना है आई बेस बना लेना है और उसके बाद ना अपना कोई जेल लाइनर लेना है अगर आपके पास जेल लाइनर नहीं भी है तो आप काजल से ही वाली ट्रिक कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से इसको ना लाइनर की शेप में कॉर्नर से आपको ना विंग क्रिएट करना है अगर आपको विंग बनाना अच्छे से नहीं आता है तो आप चाहो तो यहाँ पर टेप का यूज भी कर सकते हैं सकते हो तो कुछ इस तरीके से हम आउटर कॉर्नर से अच्छे से विंग बनाएंगे और विंग आपको देखना है कि कितना लंबा आपकी आई पर अच्छा लग रहा है उस उस तरीके से आप लोग विंग बनाएंगे इनर कॉर्नर पे भी अच्छे से शार्प तरीके से लाइनर अप्लाई करना है आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिक्विड लाइनर का यूज नहीं करना है या तो आप जेल लाइनर का यूज करो या फिर काजल का यूज करो उसके बाद मैंने फॉरएवर 52 की आईशैडो पैलेट में से ये ऑरेंज कलर का शेड लिया है और इस तरीके से जहां पर मैंने ये लाइनर अप्लाई किया था उसके ऊपर इसको ओवर

मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी उसके बाद मैंने कार्निवल में से ये रेड कलर का शेड लिया है और कुछ इस तरीके से इसको ब्लेंड कर दिया है यहाँ पर ना ब्लेंडिंग हमें काफी अच्छे से करनी है और आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे जो हमारे कलर्स है ना वो ऊपर की तरफ जा तो रहे हैं लेकिन शेप वही है जो हमने लाइनर के टाइम पे शेप क्रिएट की थी वही शेप रखनी है अब ये लाइट ब्राउन कलर का शेड लेंगे और इतना इसको ब्लेंड कर देंगे जितनी की हमारी कट क्रीज है क्योंकि ये सारे डार्क कलर्स है ना अगर ये आई ओपन करेंगी तो ये हो सकता है ऊपर छप जाए तो इसलिए जितनी हमारी क्रीज लाइन है वहां तक हम ये लाइट ब्राउन कलर का शेड ब्लेंड कर देंगे कुछ इस तरीके से अब जैसे हमने ये ब्राउन कलर का शेड ब्लेंड किया तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ब्लैंड लुक यहाँ पर आ रहा है और जब ये आई ओपन करेंगे ना तो बहुत ही सुंदर इनका आई मेकअप लगेगा और ब्रो बोन तक आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है ब्रो बोन को अवॉइड कर दो पूरी तरीके से अब आप ये ध्यान दो कि जहां कहीं पर आप आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लैक कलर के डॉट डॉट बने हुए हैं अच्छे से इक्वल नहीं है तो वहां पर ब्लैक कलर का आई साइडो अप्लाई कर दो और अपने लुक को जो है अच्छे से कंप्लीट करो कलर ब्लेंडिंग के टाइम पे काफ़ी सारा कलर्स फॉल आउट हो जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि लोअर लैश लाइन को सॉरी अंडर आई एरिया को पहले क्लीन करके वापस वहाँ पर बेस बना देना है ताकि हमारे जो कलर्स हैं वो ना दिखे जो भी फॉल आउट हुए थे और आउटर कॉर्नर से अगर आपको इस तरीके से करना नहीं आता तो आप ना टेप लगा सकते हो टेप लगाने के बाद ना एक शार्प विंग बन जाएगा जो कि बहुत ही सुंदर लगता है आई मेकअप में एंड अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो आई मेकअप के कलर्स हैं वो कितने ज्यादा ब्लेंडेड लग रहे हैं और बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है इसके बाद हम आई वगैरह अप्लाई कर देंगे जो भी साइज की आई लैसेस आपकी आईज पर अच्छी लगती है अप्लाई करेंगे और जो है आईब्रोज की मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है अगर आपको देखनी है कि आईब्रो पेंसिल से किस तरीके से आप अच्छे से शेप क्रिएट कर सकते हैं तो देख लेना तो ये रहा इस हमारा फाइनल लुक और आपको ना कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी बताना है कि आप लोगों को ये आई मेकअप कैसा लगा अगर आप इस आई मेकअप को रिक्रिएट करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग जरूर करना वहाँ पर जो मैं लाइक्स दूंगी और मेंशन करूंगी अपनी स्टोरी में आप एक बार रिक्रिएट करने की कोशिश करना अच्छा हो गंदा हो जैसे भी हो लेकिन आप कर लेना ठीक है तो बताओ कि ये वीडियो कैसी लगी और ये ब्लैंडेड लुक मुझे तो बहुत सुंदर लगा इस तरीके का लुक ना आप ब्राइड में भी दे सकते हैं